दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन कर लिए और उसके बाद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दिए ताकि मेरी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक्सटर्नल फॉन्ट्स किस तरीके से पिक्सआर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, पिक्सआर्ट को चल के ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद कोई सी भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर, ये मेरा थंबनेल है WWE 2K14 का, मैंने अभी रिसेंटली ये वीडियो अपलोड कर दी है। तो उसी पे जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कुछ भी ऐसी, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ सब्सक्राइब नाउ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पे। तो देखिए अब आप लोगों को करना क्या रहेगा, आपके पास ये माई फॉन्ट नहीं शो हो रहा होगा, आप लोग जो प्लस पे क्लिक करेंगे फिर ऊपर जो राइट कॉर्नर में प्लस दिख रहा है वहाँ पे आप लोग क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, तो आप लोगों का फॉन्ट्स का फोल्डर बन जाएगा। फिर एकदम बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद आपको अपना फाइल मैनेजर खोलना है। फाइल मैनेजर खोलने के बाद आप लोग जब इंटरनल स्टोरेज में अगर पिक्सआर्ट इंस्टॉल करें वहाँ पे पिक्सआर्ट फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे फॉन्ट्स बन जाएगा। तो वहाँ पे मैंने जो ये फॉन्ट की एक फ़ाइल है उसकी लिंक दे दी है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वो फाइल है 4KB की आसपास की बस वो फाइल है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने ये फाइल फॉन्ट्स में ही कॉपी कर रखी थी, तो मैं आपको उसे ये देखिए tesla.tki.7zip है, तो इस पर आप एक्सट्रैक्ट हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं पहले से कर चुका हूँ तो रिप्लेस ऑल फाइल पे कर दिया, तो देखिए एक्सट्रैक्टिंग हो गई है। .ttf फाइल होती है ये, यह यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपको बस कुछ नहीं करना है, जाके पिक्सआर्ट को ओपन करेंगे, जब इमेज खोलेंगे कोई सी भी इमेज खोलने के बाद जब आप वहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट में, तो आपके प्लस वाले आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका माई फॉन्ट का एक और ऑप्शन बन के आ जाएगा, फिर वहाँ पर आप अपना ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं अभी थोड़े दिन के बाद इसके जो बेस्ट फॉन्ट्स हैं पिक्सआर्ट के लिए मैं वो ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। आप लोग अपडेटेड रहिएगा मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।